सबसे ज्यादा संख्या में मानव शरीर के अंगों की पहचान करने का रिकॉर्ड तमिलनाडु की मीनाक्षी मधु ने बनाया, जिनका जन्म 9 फरवरी 2016 को कांचीपुरम में हुआ था। उन्होंने 1 मिनट 50 सेकंड में शरीर के 65 हिस्सों को सही नाम के साथ पहचाना, जिनमें 11 ग्रंथियों, 15 हड्डियों, 38 ऑर्गन्स और 1 रक्त कोशिका शामिल है। इस बच्ची ने महज 5 साल 5 महीने और 28 दिन की उम्र में रिकॉर्ड को अपने नाम किया। 6 अगस्त 2021 को रिकॉर्ड की पुष्टि की गई। आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ब्लड सेल्स। जिग्सो पजल के 100 टुकड़ों को सबसे ज्यादा तेजी से सॉल्व करने का रिकॉर्ड केरल की कैथरीन सारा रणजीत ने अपने नाम किया, जिनका जन्म 24 मई 2016 को एर्नाकुलम में हुआ था। उन्होंने 8 मिनट और 59 सेकंड में 100 टुकड़ों के साथ एनिमल वर्ल्ड पजल को हल किया। उसने 5 साल 2 महीने और 16 दिन की उम्र में रिकॉर्ड अपने नाम किया, जिसकी पुष्टि 9 अगस्त 2021 को की गई। 1 मिनट में सबसे ज्यादा संख्या में प्रीहिस्टोरिक एनिमल्स की पहचान करने का रिकॉर्ड केरल के एडम एबी चाकियात ने बनाया, जिनका जन्म 30 अक्टूबर 2016 को एर्नाकुलम में हुआ था। उन्होंने 78 प्रीहिस्टोरिक एनिमल्स की पहचान की। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 4 साल 9 महीने और 8 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 7 अगस्त 2021 को की गई थी। सबसे ज्यादा संख्या में मिनिएचर कॉफी पेंटिंग बनाने का रिकॉर्ड केरल की रागिशा पी ने बनाया, जिनका जन्म 10 अगस्त 1993 को कोझिकोड में हुआ था। उन्होंने कॉफी और पेंट ब्रश का इस्तेमाल करते हुए 505 मिनी शीट पेपर पर 505 मिनिएचर कॉफी पेंटिंग बनाई, जिनमें इमोटिकॉन्स, हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, सिंबल्स और नंबर्स शामिल हैं। रिकॉर्ड 9 अगस्त 2021 को कंफर्म किया गया। सबसे ज्यादा तेजी से 100 फुटबॉल खिलाड़ियों की पहचान करने का रिकॉर्ड तेलंगाना के विहान कार्तिक कट्टा ने बनाया, जिनका जन्म 15 मार्च 2016 को कोठागुडेम में हुआ था, जो मौजूदा समय में लंदन में रह रहे हैं। उन्होंने 1 मिनट और 27 सेकंड में 100 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ियों की पहचान की। उन्होंने 5 साल 4 महीने और 20 दिन की उम्र में रिकॉर्ड अपने नाम किया, जिसकी पुष्टि 4 अगस्त 2021 को की गई थी। एक सिंगल शीट पर एक भारतीय अभिनेता के सबसे ज्यादा स्टेंसिल पोर्ट्रेट बनाने का रिकॉर्ड केरल के अभिजीत ए के नाम है, जिनका जन्म 23 अगस्त 2000 को त्रिशूर में हुआ था। ब्लैक मार्कर और पेन का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक्टर दुलकुवेर सलमान के 80 पोर्ट्रेट चार्ट पेपर की 28 इंच x 30 इंच माप वाली शीट पर बनाए, जिसकी पुष्टि 7 अगस्त 2021 को की गई थी। भगवद गीता के सबसे ज्यादा श्लोकों को सुनाने का रिकॉर्ड पंजाब की अनिका गुप्ता ने बनाया, जिनका जन्म 11 अक्टूबर 2013 को लुधियाना में हुआ था। इस बच्चे ने 5 मिनट में भगवद गीता अध्याय 1 के 43 श्लोकों का पाठ किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 7 साल 9 महीने और 27 दिन थी, जिसकी पुष्टि 7 अगस्त 2021 को की गई थी। ब्रैनविटा गेम को सबसे ज्यादा तेजी से हल करने का रिकॉर्ड तमिलनाडु के वरुण कार्तिकेयन ने बनाया, जिनका जन्म 9 जुलाई 2010 को चेन्नई में हुआ था। उन्होंने केवल 27 सेकंड और 7 मिली सेकंड में गेम को पूरा किया। रिकॉर्ड की पुष्टि 9 अगस्त 2021 को की गई थी। कंकालों को देखकर 1 मिनट में सबसे ज्यादा संख्या में डायनासोर्स की पहचान करने का रिकॉर्ड केरल के मोहम्मद एडम श्रियास ने बनाया, जिनका जन्म पठान मथिट्टा में 27 जुलाई 2017 को हुआ था। उन्होंने 1 मिनट में 59 प्रकार के डायनासोरों की
उनके कंकालों से पहचान की। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र महज 4 साल और 11 दिन थी, जिसकी पुष्टि 7 अगस्त 2021 को की गई थी। एक बच्चे द्वारा एयरलाइन लोगों की अधिकतम संख्या में पहचान करने का रिकॉर्ड कर्नाटक के ईशान मनोज ने बनाया, जिनका जन्म 8 जनवरी 2016 को बेंगलुरु में हुआ था। उन्होंने 3 मिनट और 17 सेकंड में 116 एयरलाइन लोगों की पहचान की। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 5 साल 7 महीने और 5 दिन थी, जिसकी पुष्टि 13 अगस्त 2021 को की गई थी। सबसे ज्यादा कागज के फूल बनाने का रिकॉर्ड केरल की कृष्णा प्रिया एस ने बनाया, जिनका जन्म 25 जनवरी 2001 को एर्नाकुलम में हुआ था। उन्होंने 5 पंखुड़ी वाले 500 आकर्षक फूल तैयार किए, जिन्हें बनाने के लिए रंगीन कागज की हरी, लाल और पीली शीट्स का इस्तेमाल किया। रिकॉर्ड की पुष्टि 9 अगस्त 2021 को की गई थी। अर्धनारीश्वर की अपसाइड डाउन तस्वीर की पेंटिंग का रिकॉर्ड तमिलनाडु की एस प्रियदर्शनी ने बनाया, जिनका जन्म 5 सितंबर 2005 को तिरुवल्लूर में हुआ था। उनमें चार्ट पेपर पर शिव पार्वती की संयुक्त रूप अर्धनारीश्वर का अपसाइड पिक्चर की पेंटिंग तैयार की। रिकॉर्ड को 31 जुलाई 2021 को कंफर्म किया गया। बाइबल की पुस्तक नामों को सबसे तेजी से सुनाने का रिकॉर्ड केरल की अलिना मैरी स्वामी ने बनाया, जिनका जन्म 13 मार्च 2002 को त्रिशूर में हुआ था। उन्होंने 21 सेकंड में बाइबल की 66 पुस्तकों के शीर्षकों के नाम सुनाए, जिनमें 39 पुराने और 27 नए नियम शामिल हैं। रिकॉर्ड की पुष्टि 31 जुलाई 2021 को की गई। त्रिशूर पुरम उत्सव को दर्शाने वाली सबसे छोटी पेंटिंग बनाने का रिकॉर्ड केरल के अनूप एस ने बनाया, जिनका जन्म 15 जुलाई 1984 को कोल्लम में हुआ। उन्होंने वाटर कलर्स और पेंट ब्रश का यूज करके केरल के त्रिशूर में हर साल होने वाले प्रसिद्ध मंदिर उत्सव के चित्रण वाली एक सुंदर पेंटिंग बनाई। रिकॉर्ड की पुष्टि 31 जुलाई 2021 को की गई थी। सबसे कम उम्र में रूबिक्स क्यूब्स को हल करने का रिकॉर्ड महाराष्ट्र की जीविका नितिन विजयकर ने बनाया है। उनका जन्म 2 सितंबर 2009 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय गीत गाते हुए 7 रूबिक क्यूब को 5 मिनट 57 सेकंड और 7 मिली सेकंड में सॉल्व किया, जिनमें 2 गुना 2 रूबिक क्यूब, 1 गुना 3 गुना 3 रूबिक क्यूब, 3 गुना 3 रूबिक क्यूब, 2 गुना 2 गुना 2 रूबिक क्यूब, पिरामिड्स, रेनबो क्यूब भी शामिल थे। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 11 साल 11 महीने और 7 दिन थी, जिसकी पुष्टि 9 अगस्त 2021 को की गई थी। एक ही तस्वीर में मशहूर हस्तियों के सबसे ज्यादा स्केच बनाने का रिकॉर्ड केरल की शिल्पा संतोष ने बनाया, जिनका जन्म 20 दिसंबर 2005 को कोल्लम में हुआ था। उन्होंने महात्मा गांधी की एक ही तस्वीर में प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, संगीतकारों, वैज्ञानिकों, लेखकों, संतों, खेल और अन्य हस्तियों के 50 स्केच बनाए, जिसकी पुष्टि 12 अगस्त 2021 को की गई थी। सबसे ज्यादा संख्या में एक्वेटिक एनिमल्स की पहचान करने का रिकॉर्ड तमिलनाडु की एस जी यशवी ने बनाया, जिनका जन्म 9 फरवरी 2018 को सेलम में हुआ था। उन्होंने 1 मिनट में 63 जलीय जानवरों की पहचान की। रिकॉर्ड की पुष्टि 9 अगस्त 2021 को की गई थी। ममता बनर्जी का सबसे छोटा पोर्ट्रेट बनाने का रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल के मलय घोष ने बनाया, जिनका जन्म 16 अक्टूबर 1982 को हुगली में हुआ था। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का
6.02 सेंटीमीटर गुना 2.07 सेंटीमीटर माप वाला पोर्ट्रेट छोटी सी कटे हुए ताड़ के पत्ते पर बनाया, जिसके लिए उन्होंने एक्रेलिक रंगों का यूज किया, जिसकी पुष्टि 9 अगस्त 2021 को की गई थी। सबसे ज्यादा संख्या में कई प्रकार के आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर्म्स बनाने का रिकॉर्ड केरल की सुरेखा टी ने बनाया, जिनका जन्म 5 जून 1987 को मलप्पुरम में हुआ था। उन्होंने बोतल कला, कागज शिल्प, प्लास्टिक चम्मच कला, ऊनी धागे का काम, ईयरबड कला और आइसक्रीम स्टिक कला समेत 300 प्रकार के आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर्म्स बनाए, जिसकी पुष्टि 12 अगस्त 2021 को की गई थी। 30 सेकंड में दोनों तर्जनी उंगलियों के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक पियानो कीज को सबसे अधिक बार बजाने का रिकॉर्ड जेरिन शाजी ने बनाया। उनका जन्म 14 जनवरी 1999 को कोल्लम में हुआ था। उन्होंने 30 सेकंड में दोनों तर्जनी उंगलियों से 278 बार पियानो कीज बजाई। रिकॉर्ड की पुष्टि 13 अगस्त 2021 को की गई थी। एक कटहल के पत्ते पर सबसे ज्यादा देशों के नाम उनकी राजधानियों के नाम के साथ लिखने का रिकॉर्ड केरल के शामनाज सलीम ने बनाया, जिनका जन्म 23 दिसंबर 2000 को कन्नू में हुआ था। उन्होंने दुनिया के 136 देशों के नाम उनकी राजधानियों के साथ एक कटहल के पत्ते के दोनों किनारों पर लिखे, जिसकी पुष्टि 9 अगस्त 2021 को की गई थी। सबसे ज्यादा तेजी से ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा का स्ट्रिपलिंग आर्ट पोर्ट्रेट बनाने का रिकॉर्ड केरल के विष्णुदास टीपी ने बनाया, जिनका जन्म कन्नूर में 6 मई 1994 को हुआ था। उन्होंने व्हाइट A3 टाइप शीट पर पेन 0.2 के जरिए ट्रैक और फील्ड एथलीट नीरज चोपड़ा का सुंदर स्ट्रिपलिंग आर्ट पोर्ट्रेट बनाया। इसे बनाने में उन्होंने 2 घंटे और 30 मिनट का समय लगाया। रिकॉर्ड की पुष्टि 14 अगस्त 2021 को की गई थी। A3 शीट पर भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा चित्र बनाने का रिकॉर्ड केरल के अखिल कुमार ने बनाया, जिनका जन्म 6 नवंबर 1998 को पठान मिट्ठा में हुआ था। उन्होंने सिंगल A3 टाइप की शीट पर भगवान कृष्ण का 19.5 इंच x 26.5 इंच माप वाला सबसे बड़ा चित्र बनाया, जिसे बनाने के लिए आर्ट लाइन पेंसिल HB, 2B, 4B, 6B, 8B और 10B का इस्तेमाल किया गया, जिसकी पुष्टि 11 अगस्त 2021 को की गई। सबसे कम समय में सबसे ज्यादा संख्या में भरतनाट्यम नृत्य मुद्राओं का नामकरण और प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड चेन्नई की नेत्रा अश्विन ने बनाया, जिनका जन्म 21 सितंबर 2016 को हुआ था। उन्होंने 40 सेकंड में 54 भरतनाट्यम नृत्य मुद्राओं का प्रदर्शन करते हुए उनके नामों को भी रिकॉल किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 4 साल 10 महीने और 21 दिन थी, जिसकी पुष्टि 11 अगस्त 2021 को की गई। एक मिनट में सबसे ज्यादा बार गायत्री मंत्र का जाप करने का रिकॉर्ड महाराष्ट्र के रोनिल अस्वानी ने बनाया, जिनका जन्म 4 मार्च 2010 को उल्हासनगर में हुआ था। उन्होंने एक मिनट में 20 बार गायत्री मंत्र का पाठ किया। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 11 साल 5 महीने और 3 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 7 अगस्त 2021 को की गई थी। किसी बच्चे द्वारा कार्टून कैरेक्टर्स की सबसे ज्यादा संख्या में पहचान करने का रिकॉर्ड केरल के नभाम फहब ने बनाया, जिनका जन्म 13 जून 2012 को त्रिशूर में हुआ था, जो अब संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं। उन्होंने 3 मिनट और 8 सेकंड में बुलबासोर, चार्मेंडर, स्क्वाटर, वाटोडल, मेटापोड, बटरफ्ली, विडल, पिची, पिजोटो और रट्टा समेत 308 फेमस पहचान की। उस वक्त उनकी उम्र
9 साल 1 महीने और 25 दिन थी। 9 अगस्त 2021 को रिकॉर्ड की पुष्टि की गई थी। एक मिनट में सबसे अधिक डांस स्टाइल का प्रदर्शन करने का रिकॉर्ड केरल के अतुल राधाकृष्णन ने बनाया, जिनका जन्म 6 मार्च 2003 को अलापुझा में हुआ था। उन्होंने एक मिनट में 5 प्रकार के डांस शैलियों का प्रदर्शन किया, जिनमें अर्थशास्त्रीय, क्रम्पिंग, हिप हॉप, लोक और लॉकिंग शैलियां शामिल थी। उन्होंने 18 साल 5 महीने और 10 दिन की उम्र में रिकॉर्ड अपने नाम किया, जिसकी पुष्टि 16 अगस्त 2021 को की गई थी। सबसे ज्यादा संख्या में डायनासोर की उनके आहार सहित पहचानने का रिकॉर्ड केरल के आदि कृष्णन वी भारत ने बनाया, जिनका जन्म कोची में 30 अप्रैल 2014 को हुआ था। उन्होंने 2 मिनट और 50 सेकंड में 132 डायनासोर की पहचान उनके आहार के साथ की। उस वक्त उनकी उम्र 7 साल 3 महीने और 19 दिन थी, जिसकी पुष्टि 18 अगस्त 2021 को की गई थी। एक मिनट में सोलर सिस्टम से जुड़े सबसे ज्यादा सवालों के जवाब देने का रिकॉर्ड केरल की सयादिका पय्याप्पल ने बनाया, जिनका जन्म त्रिशूर में 29 मई 2015 को हुआ था। उन्होंने एक मिनट में सौर मंडल पर आधारित 51 सवालों के सही जवाब दिए। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 6 साल 2 महीने और 15 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 13 अगस्त 2021 को की गई थी। सबसे ज्यादा फिल्म पोस्टर बनाने का रिकॉर्ड केरल की अथिरा वी ने बनाया, जिनका जन्म 29 अगस्त 1998 को पलक्कड़ में हुआ था। उन्होंने A4 साइज की शीट पर वाटर कलर, फैब्रिक पेंट और पेंसिल का इस्तेमाल करके हिंदी, मलयालम और तमिल फिल्मों के 60 पोस्टर बनाए, जिसकी पुष्टि 11 अगस्त 2021 को की गई थी। सबसे कम उम्र में बाधाओं के साथ रोलर स्केटिंग परफॉर्म करने का रिकॉर्ड गुजरात की स्वरा विश्वकुमार कनेरिया ने बनाया। उनका जन्म 10 अक्टूबर 2017 को राजकोट में हुआ था। उन्होंने 3 मिनट और 5 सेकंड के लिए 7 बाधाओं के साथ स्केटिंग का प्रदर्शन किया, जिसमें दाहिने पैर को आगे बैठना और 5 हुला हुप रिंग से गुजरना और 307 मीटर की दूरी को कवर करते हुए 3 फायर बैरियर के माध्यम से झुकना शामिल था। रिकॉर्ड के बाद उनकी उम्र महज 3 साल 10 महीने और 9 दिन थी। रिकॉर्ड 19 अगस्त 2021 को कंफर्म किया गया। चावल के दाने पर हनुमान चालीसा लिखने का रिकॉर्ड महाराष्ट्र की विशाखा आजम के बंसूत ने बनाया, जिनका जन्म 7 मई 1991 को पुणे में हुआ था। उन्होंने 425 चावल के दानों पर हिंदी भाषा में संपूर्ण हनुमान चालीसा लिखी, जिसकी पुष्टि 10 अगस्त 2021 को की गई थी। सबसे लंबे समय तक कबूतर योग आसन में रहने का रिकॉर्ड भारत की सोनिया संदेश बुरकुले ने बनाया, जिनका जन्म 25 जून 2012 को मुंबई में हुआ था। वो 10 मिनट और 12 सेकंड के लिए कपोटासन में रही। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 9 साल और 1 महीना थी, जिसकी पुष्टि 9 अगस्त 2021 को की गई थी। सबसे लंबे शब्दों के साथ साथ उनके अर्थों को आंखों पर पट्टी बांधकर पढ़ने का रिकॉर्ड समीक्षा किरण ने बनाया, जिनका जन्म 9 जनवरी 2014 को एर्नाकुलम में हुआ था। उन्होंने 1 मिनट और 36 सेकंड में लोपाडो टोमाचो सेलाचो गेलियो क्रानियो लिप्सान ड्रीम हाइपोट्रिमेटो सिल्फियो काराबो मेलिटो कैटेकैची मैनो किचन एपी कॉस्विटो फाटो पारिस्टर एलेक्स्ट्रियन आपके कैफेलियो नाम के 10 सबसे लंबे शब्दों को उनके अर्थ के साथ पढ़ा।
रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 7 साल 7 महीने और 3 दिन थी। 15 अगस्त 2021 को रिकॉर्ड की पुष्टि की गई। केरल के पुनर्जागरण नेताओं के पेंसिल स्केच अधिकतम संख्या में बनाने का रिकॉर्ड केरल की कीर्ति पी ने बनाया, जिनका जन्म 4 जनवरी 1997 को कोल्लम में हुआ था। उन्होंने श्री नारायण गुरु पंडित करुप्पन वक्कम अब्दुल खादर मौलवी कुरियाकोस एलियास चावरा थाईकॉड अय्या स्वदेशी भामनी रामकृष्णन पिल्लई और डॉक्टर पल्पू समेत 15 पुनर्जागरण नेताओं के पेंसिल स्केच बनाए, जिसकी पुष्टि 20 अगस्त 2021 को की गई थी। समुद्री जीवों की अधिकतम संख्या की पहचान करने का रिकॉर्ड केरल की सेरा मारिया चरित ने बनाया, जिनका जन्म वायनाड में 14 अप्रैल 2015 को हुआ था। उन्होंने स्क्रीन पर 10 मिनट 50 सेकंड और 68 मिली सेकंड में 315 समुद्री जीवों की उनके सही नामों के साथ पहचान की। रिकॉर्ड के वक्त उनकी उम्र 6 साल और 4 महीने थी। रिकॉर्ड 14 अगस्त 2021 को कंफर्म किया गया। पीरियोडिक टेबल पर सबसे अधिक सवालों के उत्तर देने का रिकॉर्ड केरल के सिद्धार्थ वी नारायण ने बनाया, जिनका जन्म 29 जुलाई 2015 को पठान मिथिट्टा में हुआ था। उन्होंने 3 मिनट और 15 सेकंड में पीरियोडिक टेबल के तत्वों से संबंधित 60 सवालों के जवाब दिए, जिसमें 118 तत्वों के नाम का पाठ करना शामिल है। उस वक्त उनकी उम्र महज 6 साल और 19 दिन थी। रिकॉर्ड की पुष्टि 17 अगस्त 2021 को की गई थी। लाइटेस्ट नोबल गैस सिंबल ऑफ हीलियम ग्रुप ऑफ नोबल।